इस पुस्तक का पाठ 10 एक दिन का कविता पढ़ेंगे। किस प्रकार से एक दिन का भी मनुष्य को परेशान करने के लिए बहुत माना जा सकता है। तो देखते हैं आज क्या है इस कविता के अंदर। व्यक्ति जब शक्ति संपन्न हो जाता है तो अपने समान किसी को कुछ नहीं समझता। उसकी विनम्रता छुमंतर हो जाती है। घमंड के नशे में चूर होने पर जब उसकी छोटी सी वस्तु भी पराजित कर देती उसको छोटी सी वस्तु भी पराजित कर देती है, तब उसे समझ आता है कि घमंड करना अनुचित है। मेरे अहम को तोड़ने के लिए तो एक दिन का भी बहुत है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा हुआ था छत की और बहुत ही ऐंठ में खड़ा हुआ था, तब दूर से कहीं आकर एक तिनका मेरी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन एकदम से मुझे क्या हो गया, मैं हिचक गया, मतलब झिझक उठा, परेशान हो गया, संकोच मुझे होने लगा, अपने ऊपर ही शर्म आने लगी कि मैं तो जरा से तिनके ने मुझे बेचैन सा कर दिया। लाल होकर आंख भी दुखने लग गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग भी कपड़े से मूठ देने लगे, मतलब फूक मार के लगाते ऐसे देने लगे। ऐठ बेचारी दबे पावो भागी, जो ऐठ थी वो दबे पावो भाग गई, जो मेरी ऐठ थी, जो मेरी अकड़ थी, वो बहुत दूर तक भाग गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब समझ ने मुझे इस प्रकार ताने दिए कि ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की ये कविता है, जिसके माध्यम से वे ये बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए केवल एक दिन का मात्र ही बहुत है, उसके लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल एक दिन का भी मनुष्य को उसकी ऐंठ को ढीली कर सकता है। उसके लिए अकड़ किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं सही बच्चे। इस कविता में आपको केवल यही शिक्षा दी गई है कि मनुष्य की स्वयं की कोई भी अकड़ उचित नहीं है। उस मनुष्य की अकड़ को एक दिन का मात्र भी कमजोर कर सकता है। इसलिए मनुष्य को विनम्रता का भाव रखते हुए सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐट से नहीं रहना चाहिए। आप सभी कवि परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले आप शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करने के पश्चात आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के बारे में लिखेंगे। इनका ये चित्र है, आपको दिखाया गया है, आप इनके बारे में लिखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और उसके बाद आप इसका सरलार्थ करेंगे। आपने इस कविता के माध्यम से क्या समझा, आपको उसमें क्या समझ में आया, वो अपने शब्दों में लिखना है आपको। किसी से पूछ के नहीं लिखेंगे, आपको जो समझ में आया आप अपने फेयर नोटबुक में सरलार्थ, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे। पहले मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, फिर डैश 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 करके लास्ट की बहुत तेरे लिए, यहाँ तक करके फुल स्टॉप, उसके बाद फिर पूरा उसका सरलार्थ, सरलार्थ लिख के फिर उसका सरल शब्दों में आपका जो भी अर्थ आपको लगता है इस कविता का, आपको जो भी समझ में आया वो लिखोगे। तत्पश्चात हम आएंगे अपने प्रश्नों के उत्तर पर। मौखिक प्रश्न होता है, कविता में घमंड की जगह घमंडो क्यों लिखा गया है, घमंड की जगह घमंडो शब्द क्यों लिखा गया है, यहाँ पे है ना। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंड में भरा नहीं लिखा, मैं घमंडों में भरा, यानी कि बहुत सारे घमंड है व्यक्ति को, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तिनका गिरने से आग का क्या हाल हुआ, क्या हुआ, लाल होकर आग दुखने लग गई थी। कवि ऐट को बेचारी क्यों कह रहा है, क्योंकि वह एक तिनके के कारण ही
दबे पांव भागने लगी। कविता में वर्णित घटना को बताइए, तो आप सभी को जो समझ में आया है वो वर्णन आपको करना है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी छत पर खड़ा हुआ था और दूर कहीं से हवा के झोंके के साथ एक तिनका उस व्यक्ति की आंख में चला गया और वह वहीं पर झिझक उठा। जो उसकी ऐंठ थी वह दबे पांव भाग गई और वह लोगों के पास दौड़ा। लोग उसे कपड़े से मूठ देने लगे। तत्पश्चात कहीं उसे आराम मिला और उसकी अकड़ जो भी थी वो सारी उसके साथ ही उस तिनके के साथ ही भाग गई। ठीक है, आगे है एक तिनका। कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि कवि व्यक्ति को ऐठ के साथ नहीं जीना चाहिए, अपितु मनुष्य को विनम्रता के साथ, सहज भाव के साथ जीना चाहिए। बच्चों, ये एक कविता है जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है। आप देखते होंगे आपके आसपास के व्यक्ति, हर एक व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं आप उसको नीचा? अगर आप उसकी जगह पर होंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार से मजबूर है। तो हमें उसको नीचा नहीं दिखाना है, क्यों दिखाना है? अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ करना आना चाहिए, ना कि उस बात का मजाक बनाकर या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को इस बात का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए कि हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा बुरा ना बोलकर बल्कि उसको समझना जरूरी है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए। और हमारा जो कर्तव्य है कि हमें ध्यान से पढ़ना है, तो सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ऐठ बेचारी दबे पांव भागी से कवि का यह तात्पर्य है कि जब एक तिनका उस व्यक्ति की आंख में चला गया और उसकी ऐठ जो उस तिनके के साथ ही उसकी आंख से बाहर निकल गई और वह समझ गया था कि मेरे लिए तो केवल एक तिनका ही बहुत है मुझे परेशान करने के लिए, तो मुझे किसी भी प्रकार से अपनी जो मेरी अकड़ है ये उचित नहीं है। तिनका गिनने पर आसमान के लोगों ने क्या सहायता की? तिनका गिनने पर आसपास के, आसमान कह रही हूँ, आसपास के लोगों ने कपड़े से मूठ देने लगे और उसके तिनके को बाहर निकाल दिया। तिनका गिने पर कवि को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? तिनका गिने पर कवि को उसकी समझ ने यह चेतावनी दी कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ऐठ नहीं दिखानी चाहिए, उसकी ऐठ हर प्रकार से अनुचित है, वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मनुष्य को केवल और केवल विनम्रता का भाव ही अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता का भाव अपनाकर ही वह खुश रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐठ, घमंड, अभिमान जिन व्यक्तियों के अंदर होता है वह एक दिन स्वयं नीचे गिर जाते हैं। और जिन्हें आज भी विश्वास नहीं है इस बात का, तो देख लेना समय आपके साथ कुछ ऐसा ही करेगा। जो व्यक्ति आज घमंड में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे एक दिन स्वयं नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति को भी समझना आवश्यक है। गुस्से में आकर हम जो भी कार्य जल्दबाजी में करते हैं, सबसे पहले हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। तो कवि ने इसके धार पर यही बात कही है कि तिनका गिनने पर कवि को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? उसकी समझ ने उसे यही सब चेतावनी दी कि उसे घमंड किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए, वह उसके लिए अनुचित है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, इसका भाव स्पष्ट करना है, यानी कि व्यक्ति जो बोल रहा है इस कविता के माध्यम से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओधा ने ये कहा है कि व्यक्ति को घमंडों में वह भरा हुआ ऐठा हुआ रहता है, परंतु उसके लिए तो मात्र एक दिन का ही बहुत है जो उसे उनकी कमियों को दिखा देता है और उसके अंदर से उस घमंड को, उस ऐठ को बाहर निकाल फेंकता है। मनुष्य को किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए, वह उसके लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे प्रश्न उत्तर को कविता के ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे,
और फिर नोटबुक में सारे शब्दार्थ आपको करने हैं। तत्पश्चात आपको कवि का जो भी अभी हमने कवि के बारे में जो दो पंक्तियां पढ़ी हैं, आपको ये दोनों पंक्तियां लिखनी है। क्या है ये पंक्तियां? क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को खड़ी बोली का पहला महाकाव्यकार कहा जाता है? पहला महाकाव्यकार। इनकी मुख्य कृतियां प्रिय प्रवास, वेदेही वनवास, रस कलश, चोखे चपोदे हैं, चोपदे, चोखे चोपदे हैं। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के पहले महाकाव्यकार इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये कार्य पूरा करके रखेंगे। आगे चलते हैं हम इसके बुक वर्क की ओर। इसका बुक वर्क देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मुंडेर पर खड़ा में ड ड के उच्चारण के अंतर को समझकर उच्चारण करें और पांच पांच पंक्ति अतिरिक्त शब्द लिखे, ड ड ड और ड, बहुत फर्क है दोनों के अंदर, पढ़ना गिर जाना। ठीक है, एक हो गया। यहाँ पे ड है, जैसे यहाँ पर मुंडेर पर खड़ा, देखो ड है और ड है। ठीक है, एक होता है मुड़ा, ठीक है, एक होता है मुड़ा। दूसरा हम इसके लिए कोई अन्य शब्द भी सोच सकते हैं, जैसे एक होता है मुड़ा, उसमें ड आएगा, पेड़। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ ड का प्रयोग देखो, जड़, घड़ी, ड का। और ड जहाँ पे वो नुक्ता ना आ रहा हो, जैसे उसके लिए सोचिए, जैसे डिब्बी, डिब्बा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अन्य शब्द सोचकर लिखेंगे। एट, एट ना, समझ, समझना। यहाँ एट और समझ भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया शब्द से बने हैं। इसी प्रकार क्रिया से बने हैं डर, तोल, लूट, चीख भी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, एट और समझ भाववाचक संज्ञा है, क्रिया शब्द से बने हैं। इसी प्रकार क्रिया से बने डर, तोल, लूट, चीख भी संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार के चार शब्द आपको लिखने हैं। आप यहाँ पे ये चार शब्द आप ढूंढ के लिखेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे एट और समझ भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया शब्द से बने हैं। इसी प्रकार क्रिया से बने डर, तोल, लूट, चीख भी संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार के चार शब्द लिखने हैं आपको। सोच कर आपको यह कार्य अपना पूरा समझ कर करना है कि भाववाचक संज्ञा एट, एट ना, एट और समझ भाववाचक संज्ञा है, उसी प्रकार ये चीख संज्ञा शब्द है, इसमें आपको लगाना है, जैसे डरना, टोलना, लूटना, चीखना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको, ये कार्य स्वयं अपना करना है। कविता में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सीधी बात में व्यंग का समावेश है। इस मुहावरों को पढ़कर इन वह पंक्ति लिखिए जिनमें इसका प्रयोग है। घमंड में भरा, तो घमंडों में भरा, बेचैन हो उठना, कहाँ है ये, जब वो बोलता है हिचक हो गई एकदम से, जब उसकी एच उसके मैं हिचक उठा हुआ बेचैन सा। ठीक है, दबे पांव भागी, कौन सी पंक्ति में इसका प्रयोग हुआ है, वो व्यंग वाली पंक्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। ध्यान से लिखनी है और अच्छे से सोच समझ के लिखनी है। कविता के बारे में विशेष, मानवीकरण से कविता प्रभाव उत्पादक हो गई, ऐठ बिचारी दबे पांव भागी, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। यहाँ ऐठ और समझ को सजीव प्राणी की भांति चित्रित किया गया है, अर्थात यह मानवीकरण अलंकार है। सही बच्चे, ध्यान से इसको समझेंगे। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पे मानव जैसे काम करते हैं, ऐसे ऐठ भाग रही है जैसे मनुष्य भागता है। ठीक है, समझ, समझ को यहाँ पे सजीव प्राणी बताया, जब समझ ने उसको क्या समझाया, उसकी जो समझ नहीं थी उसने उसको ताना मारा, जैसे व्यक्ति ताना मारते हैं, तो यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है, हमें उसकी महिमा भुलानी नहीं चाहिए। इस विषय पर उदाहरण देकर कक्षा में बातचीत करें। हर वस्तु की अपनी अपनी एक महत्वता होती है ना, जैसे कि तलवार और सुई, हर चीज का अपना अपना महत्व है। जहाँ पर सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि हर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है, छोटे नहीं बड़ों से कम। अशुभ भाषण का आयोजन कीजिए, छोटे नहीं बड़ों से कम, छोटे जो बच्चे हैं वो बड़ों से कम नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल यहाँ पे भाषण का आयोजन करना, तो ये हमें नहीं करना है।
देखो यहाँ लिखा है मैं किस स्थान पर वह लिखा कविता को पुनः कीजिए, तो यहाँ पे मैं की जगह वह हो जाएगा। वह घमंडों से भरा, घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था, जब मुंडेर पे खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लो कपड़े की लगे ऐठ बिचारी दबे पाँव भागे। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यू उसे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बोला मैं के स्थान पर वह का प्रयोग करके लिखना है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर, अब ये केवल अपने लिए था और यहाँ किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। तो बच्चों आपको कविता कैसी लगी, आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी ने इस कविता से इतना जरूर सीखा होगा कि हमें किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए, वह हमारे लिए उचित नहीं है। आप सभी बच्चे इसका बुक वर्क अपना कंप्लीट करके रखेंगे और ध्यान से बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और साफ साफ हैंड राइटिंग में आज की डेट में आपका काम शब्दार्थ और कवि परिचय पूरा हो जाना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर आपको फाइंड आउट करके रखने हैं। ऐसा ना हो कि आप केवल वेट कर रहे हो कि मैम दिखेंगे लिखेंगे तभी हम लिखेंगे, आप उसके उत्तर जरूर ढूंढ के रखेंगे ताकि जब मैं लिखूं आपको मिले तो आप तो उसे थोड़ा सा मैच कर सको, ताकि आपकी मेहनत आपको आ सके कि प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखने चाहिए, खुद की भाषा में भी आप प्रश्नों के उत्तर लिख सको। और इसका शरारत सभी बच्चों को जरूर करना है, ये करने के बाद आप इसका शरारत करेंगे तब आप प्रश्न उत्तर करेंगे। इतना कार्य आपको अपनी फेयर नोटबुक में करके रखना है और साफ साफ हैंड राइटिंग में करना है। धन्यवाद।